Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंग्री स्पून चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुश होंगे। तो अब जब खाना ना बन पा रहा हो तो देखो हंग्री स्पून और सीखो नई नई रेसिपी, तो सब्सक्राइब कर लो इसी बात पर ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो जाए। आज मैं आप सभी लोग के लिए चीज़ कॉर्न पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि काफ़ी बच्चों को पसंद आने वाला है। चीज़ कॉर्न पराठे की रेसिपी के लिए हमें किन किन सामग्री की जरूरत पड़ेगी, आइए फटाफट देख लेते हैं। कॉर्न मोज़रेला चीज़ पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पे कॉर्न ले लिया है। ये कॉर्न हमारे उबले हुए हैं, इनका पानी हमें सुखा लेना है और उसके बाद हमें मिक्सी ग्राइंडर में इस तरह से दरदरा पीस लेना है। बहुत ज़्यादा इसको हमें महीन नहीं पीसना है, दरदरा पीस लेंगे। और पानी जब भी इसको पीसे तो पानी ड्राई होना चाहिए, नहीं तो ये आपका पराठा स्टफ जब करेंगे तो सही से बिलेगा नहीं। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे तो आपका चीज़ कॉर्न पराठा बहुत ही बेहतरीन बनेगा। आप इसे पिज़्ज़ा पराठा भी कह सकते हैं। और यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, तो इन सभी को हमें एक बर्तन में डाल लेना है ताकि और सामान हम अच्छे से इसमें मिक्स कर सकें। ख़ास तौर पे बच्चों को ये काफ़ी पसंद वाली चीज़ है, क्योंकि इसमें मोज़रेला चीज़ जाता है तो वो बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। तो आप इसे पिज़्ज़ा पराठा भी कह के दे सकते हैं बच्चों को टिफ़िन में, या फिर किसी भी वक्त बच्चों को दे सकते हैं। और इसके साथ हमने यहाँ पे जितना कॉर्न लिया है उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ लिया है। आप इसकी जगह प्रोसेस चीज़ भी ले सकते हैं, अगर मोज़रेला चीज़ नहीं पसंद है तो प्रोसेस चीज़ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कटोरी कॉर्न लिया है, उसको मिक्सी ग्राइंडर में हल्का दरदरा कर लिया है और साथ में एक कटोरी हम मोज़रेला चीज़ मिक्स करेंगे इसमें। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च महीन महीन कटी हुई ली है, टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने एक लिया है। आपको जितना कम और ज़्यादा करना है, या फिर बहुत ही छोटे बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रहे हैं, उन्हें खाने के लिए दे रहे हैं, तो हो सके तो ये हरी मिर्च उनको ना डालें, क्योंकि मुंह में आएगा तो उन्हें तीखा लगेगा। तो बहुत छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसको हटा दें। तो यहाँ पे एक हरी मिर्च हमने लिया है, साथ में हरी शिमला मिर्च हमने लिया है एक चम्मच, और एक महीन कटा हुआ प्याज हमने, ये लगभग हमारा 2 चम्मच है। और इसके साथ हमने यहाँ पे रेगुलर नमक लिया है 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर इसमें लेंगे 1/4 स्पून, इसी तरह से इसमें चिली फ्लेक्स हमने 1/4 स्पून लिया, ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें हमने पेरी पेरी मसाला लिया है, आपके पास अगर नहीं है तो कोई भी मैगी मसाला या फिर हल्का सा गर्म मसाला आप 1/4 स्पून डाल सकते हैं। साथ में इसमें पिज़्ज़ा हट है, और इन सभी को हमें मिक्स कर लेना है। इस तरह से ये मैंने तैयार कर लिया है पराठे का, चीज़ कॉर्न पराठे का स्टफिंग। और इधर से हमने इस तरह से डो को भी तैयार कर लिया था, थोड़ा सा इसके ऊपर तेल लगा लेंगे ताकि ये हमारा चिपके ना। और एक बार हम थोड़ा सा और आटा को गूंद लेंगे ताकि नरम तो था ही आटा हमारा, लेकिन गूंद के अभी तुरंत हमने गूंदा था, 2-4 मिनट हो गया था गूंदे हुए। आटे को पहले से ही 10 से 15 मिनट आप गूंद करके रख देंगे तो पराठा काफ़ी अच्छा आपका बनेगा। और दूसरी साइड में हमें एक पैन ले लेना है, पैन को गर्म होने के लिए रख देना है और स्लो, ज़्यादा हमें हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे ताकि जब हम पराठे को बनाएं, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे अगर आप तवे को गर्म कर देंगे तो पराठा फौरन ही हमारा ऊपर से पक तो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। फ्लेम पे हमें इसको पराठे को बनाना है। अब एक लोई काट लेनी है हमें, जिस भी साइज में आपको पराठा रखना है उस साइज में आपको लोई काट लेनी है। तो हमने यहाँ पे एक लोई काट ली है, इसको थोड़ा सा बेल लेंगे ताकि इसमें हम स्टफिंग अच्छे से भरें। किसी को भी आप खिलाएंगे बहुत ही पसंद करेंगे, समझ लीजिए उनको एक पिज़्ज़ा का टेस्ट मिलता है और पिज़्ज़ा के ही जैसा ये इनको पराठा लगता है। इस तरह से ये देखिए इसमें इतना सारा मैंने स्टफिंग डाला है, और इसको हमें धीमे धीमे इस तरह से बंद कर लेना है, चारों तरफ से घुमाते हुए हमें इस तरह से बंद कर लेना है। इस तरह से अच्छे से इसको हमें फोल्ड करना है ताकि जब मैं पराठे को बेल लूं तो कहीं से खुले ना। सूखा मैदा लगा लें और अपने हाथों से इस तरह से इसको प्रेस कर दें थोड़ा थोड़ा, फिर इसको हम बेलेंगे। थोड़ा सा हम और इसको सूखा आटा लगाएंगे। अगर ये देखिए यहाँ से मेरा ये खुल रहा है, तो इसको क्या काम करेंगे हम इस तरह से प्रेस कर देंगे, और प्रेस करने के बाद फिर हम इसको स्टफिंग को दबाएंगे।
इस तरह से, और मोटा पतला जितना भी साइज आपको रखना है उसके हिसाब से आप इसको बेल लेंगे। इस तरह से मैंने ये साइज बेला है, आप इससे छोटा भी कर सकते हैं और आप इससे बड़ा भी कर सकते हैं। अब दूसरे साइड में मेरा गैस पे मैंने पैन चढ़ाया था, वो गर्म हो गया है, तो आइए इसको हम सेक लेते हैं। देखिए हमारा पैन अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसको हमें रख देना है। और गैस का फ्लेम देखिए हमने ज्यादा तेज नहीं किया है, हल्के मीडियम फ्लेम पे मैं इसको सेकूंगी धीमी धीमी आंच पे। अब थोड़ा थोड़ा इसमें ऑयल चाहे घी जो भी पसंद करते हैं वो आप इसमें लगा सकते हैं। देखिए एक साइड में लाइट गोल्डन कलर में आ गया है ये। अब ये देखिए दोनों साइड में मेरा गोल्डन कलर आ गया है, इसका मतलब आपके पराठे अच्छे से सीख गए हैं। हमने मीडियम फ्लेम पे पराठे को सेका है तो इसलिए अंदर से पक भी गया है और बहुत ही अच्छे से चीज हमारी अंदर से मेल्ट हो गई होगी। अब जब बच्चे को सर्व करेंगे गर्मा गर्म तो फिर जब वो कट करेंगे तो उसमें स्टिकी आपका मोज़रेला चीज निकलेगा, तो बच्चे को बहुत ही मजा आने वाला है। तो इस तरह से हमारा चीज कॉर्न पराठा बनकर के तैयार हो गया है। आप इसे जरूर ट्राई करें हमारे अंदाज में, क्रिस्पी टेस्टी काफ़ी ये हमारा पराठा बनकर के तैयार हो गया है। चीज़ कॉर्न पराठा जिसे भी खिलाएंगे वो काफ़ी इस पराठे को पसंद करने वाला है, क्योंकि ये इतना अच्छा है कि बच्चे इसे पिज़्ज़ा समझ करके खा जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा, आपको खिलाने की झंझट भी ख़त्म हो जाएगी। चीज़ कॉर्न पराठा जिस तरह से मैंने आपको बनाना बताया है और जिन जिन बातों का ध्यान देने के लिए कहा है उन बातों को ध्यान देंगे तो चीज़ कॉर्न पराठा आपका बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होगा। आपको हमारे चीज़ कॉर्न पराठे की रेसिपी कैसे ली कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं, और इसी तरह से हमारे हंगरी स्पून चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैमिली में शेयर करें, लाइक करें। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, साथ में मेरी प्यारी प्यारी बेटियों का बहुत बहुत ख्याल रखें, उन्हें बहुत बहुत प्यार दें। थैंक यू। It's bothering me when you're crushing all my dreams and you're making me so cool. Get out of my life. I know what I know what I'm supposed to do. Thanks for watching. Stay tuned with Hungry Spoon. I know what I.